हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, अगरबत्ती तो हम सब अपने घर पर जलाते ही हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो ये बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण हमें इसको बार बार जलाना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। अगरबत्ती जलाने से पहले आपने लेना है थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सारी अगरबत्ती के ऊपर इस तरीके से देसी घी को लगा देना है। जब आप इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये काफी लंबे टाइम तक जलेगी। जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती थी वो लंबे टाइम तक जलेगी, और साथ साथ जो हमने देसी घी लगाया है उसकी भीनी भीनी खुशबू भी हमारी अगरबत्ती जलने के साथ आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के व्हाइट कप को लेके। दोस्तों, जब हम मार्केट से ये कप नए लेकर आते हैं तो ये देखने में बहुत ज़्यादा शाइनी और एकदम व्हाइट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे इनका रंग जो है पीला पड़ना शुरू हो जाता है। हम इनको रेगुलर बेसिस पे तो क्लीन करते ही हैं, लेकिन इनका जो पीलापन है वो इजिली साफ नहीं हो पाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है किसी भी बड़े बर्तन में पानी, ताकि उसके अंदर कप आपके अच्छी तरीके से डूब जाए। और उसके बाद आपको चाहिए होगा नील या उजाला, जिसका इस्तेमाल अक्सर हम अपने ये पड़े वाइट कपड़ों को वाइट करने के लिए करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पानी में घोल देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अपने पीले पड़े हुए कप को आपने इनके अंदर डुबो कर रख देना है। ये देखिए, मैंने अपने सारे कप डुबो कर रख दिए हैं। इसके बाद आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपके कप जो है पहले की तरह वाइट और शाइनी हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सब्जियों को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको किसी टोकरी या इस तरीके के बाउल में डालकर रख देते हैं कि हम इसको बाद में फ्रिज में रख देंगे। लेकिन आपने देखा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी ही देर में हमारी सब्जियां इस तरीके से मुरझाने लग जाती हैं, और जब हम इसको काटने के लिए यूज़ करते हैं तो आपने देखा है ये इतनी ज़्यादा मुरझाई होती है कि हमें इसको काटने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है कि आप अपनी सब्जियों को पहले की तरह फ्रेश कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ले ले आप बर्फ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बर्फ है उसको आपने अपनी सब्जियों के ऊपर इस तरीके से डाल देना है, और थोड़ा सा आपने ये बर्फ वाला पानी भी इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी मुरझाई हुई सब्जियां हैं वो फिर से पहले की तरह ताजा हो जाएंगी, और आपको इनको काटने में किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है साबुन के बचे हुए टुकड़ों को लेके। अक्सर दोस्तों आपने देखा ही है, हमारे घर में इस तरीके के साबुन के टुकड़े बच जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इनका क्या यूज़ करें। वैसे तो इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आज इनका एक और बहुत ही बढ़िया यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने घर पे जितने भी साबुन के टुकड़े हैं आपने ले लेने हैं। उसके बाद मैंने ले ली है इस तरीके की चाय छलनी। ये चाय छलनी मेरी ख़राब हो चुकी थी और इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये भी टूट चुका था, तो आज मैं इस बेकार छलनी का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने छलनी के अंदर जितने भी मेरे ये टुकड़े हैं इसको मैं डाल दूंगी। उसके बाद हमें लेना है कोई भी पॉलिथीन, और पॉलिथीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस छलनी को हम डाल देंगे इस पॉलिथीन के अंदर। और पॉलिथीन में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। चाहे तो आप इसको किसी धागे या रस्सी के साथ बांध सकते हैं, या आप किसी रबड़ बैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी है इस तरीके से रबड़ बैंड, ताकि इसमें से जो साबुन के टुकड़े हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको मैं कट कर दूँगी, और सिर्फ मैंने इतना पार्ट रखा है ताकि ये आप पकड़ने के काम आ सके। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये जाली वाला है, इसके जो जाली है वो हमारे पॉलिथीन के कारण ब्लॉक हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे होल कर देंगे। इसको हमने तैयार कर लिया, अब इसका यूज़ कैसे करना है। अब इसको आप क्या करें, आप अपने फ्लैश टैंक में डाल दें। इससे क्या होगा, जब भी आप फ्लश करेंगी तो आपका जो साबुन है वो पानी के साथ मिक्स होकर आएगा, जिससे कि आपका जो टॉयलेट है बार बार गंदा नहीं होगा, और उसको आपको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो साबुन की फ्रेगनेंस है उससे जो आपके टॉयलेट में बार बार यूज़ करने के बाद जो बैड स्मेल आती है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के ब्राउन पेपर बैग को लेके। दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं, तो इस तरीके का ब्राउन पेपर हमारे साथ आता है। लेकिन क्या हुआ, गलती से ये पेपर जो है मेरा इस तरीके से फट गया।
लेकिन ये इतने सॉलिड होते हैं कि मेरा इनको फेंकने को दिल नहीं किया। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पैकेट का क्या यूज करूं, तो मैंने इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक निकाली। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका ये जो फटा हुआ हिस्सा था इसको पहले मैंने सीजर की मदद से जितना जितना फटा हुआ हिस्सा था सीजर की मदद से मैंने कट कर लिया। अब इस तरीके से मेरे पास ये पीस बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे से सॉलिड करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये दो एग्जाम बोर्ड पड़े थे, इसको मैंने क्या किया किसी कपड़े में मैंने इसको इस तरीके से डाल लिया। ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े के अंदर इसको डालकर इस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजर तैयार कर लिया। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप अपने ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने अपनी पैंट जीन्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, अपनी टी शर्ट्स को रख सकते हैं, अपनी शर्ट्स को रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरे कितने ढेर सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आप इसको अपनी अलमीरा में या अपने कबर्ड में कहीं भी रख सकते हैं, और इसके बाद जब आपको जरूरत हो तो आप इस तरीके से, इसका हैंडल बना होता है, आप इसको हैंडल से खींच के इसके अंदर कपड़े आसानी से निकाल भी सकते हैं, और जब आपका काम हो तो इसको वापस उसकी जगह रखकर अपने ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।